हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान रुचि में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जा रहे हैं भोले बाबा के दर्शन करने, मंदिर जा रहे हैं। तो सुबह के 3:30 बजे हैं, हम जा रहे हैं बुद्धेश्वर दर्शन करने। तो आप सब लोग हमारे साथ बने रहिएगा, हम आप सबको दर्शन कराएंगे। आज सावन का 3रा सोमवार है, तो हम जाएंगे दर्शन करेंगे और आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे भोले बाबा के। तो 2 सोमवार हमारे निकल गए थे, हम जाना चाह रहे थे लेकिन हम जा नहीं पाए हैं। तो आज हम 3रे सोमवार को जाएंगे, भोले बाबा के दर्शन करेंगे। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा फ्रेंड्स। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करिए। तो हम सब लोग जा रहे हैं, तैयार हो चुके हैं। तो ये देखिए, छोटी बिटिया अभी नहा रही है और भैया हमारा तैयार हो चुका है। तो हम सब लोग जा रहे हैं, आप लोग भी हमारे साथ चलिए। तो हम लोग निकल चुके हैं घर से। तो देखिए, थोड़ी थोड़ी सी बारिश भी हो रही है और ये 3:30 बजे का सीन हम आपको दिखा रहे हैं। तो रोडों पे देखिए कितना सन्नाटा है और अभी अंधेरा भी है। तो हम लोग थोड़ा सा जल्दी घर से निकले हैं ताकि वहाँ पर हमें भीड़ ना मिले। तो इसीलिए हम जल्दी जल्दी से आए हैं कि अगर ज़्यादा हमें लेट हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी और भीड़ होने के बाद फिर हमें दर्शन मिलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। बच्चे भी साथ में हैं तो इसीलिए हम थोड़ा जल्दी जा रहे हैं ताकि हमें भीड़ ना मिले। आगे वहाँ जाके पता चलेगा कि इस टाइम भीड़ है या नहीं है। तो हम लोग चलते जा रहे हैं और देखिए बूंदे पड़ती जा रही हैं, बूंदे पड़ रही हैं रोडों पर। पानी भी भरा हुआ है क्योंकि बारिश थोड़ी थोड़ी सी हो रही है। रात में भी बारिश हुई है और इस टाइम भी थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही है। तो ये देखिए, हम गाड़ी के अंदर से शूट कर रहे हैं तो शीशे पे भी बूंदे पड़ रही हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो ये हम पहुंच चुके हैं। तो भीड़ है लेकिन उस तरह से भीड़ नहीं है। ये हम आ गए हैं बुद्धेश्वर मंदिर पे। तो हम बुद्धेश्वर भगवान के दर्शन करेंगे आज। भोले बाबा का मंदिर है तो बहुत बढ़िया मंदिर है और बहुत सच्चा मंदिर है जहाँ हम लोग आज दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। हम अगले सोमवार को भी सोच रहे थे कि दर्शन करने जाएंगे लेकिन नहीं जा पाए, हम लोग सो गए थे। क्योंकि हम लोग यहाँ पे जब दर्शन करने आते हैं तो सुबह ही आते हैं, 4 बजे के करीब ही आते हैं। उससे ज़्यादा अगर लेट होता है तो फिर हम लोग नहीं आ पाते हैं क्योंकि यहाँ आके बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। और देखिए, ये हमें मम्मी लोग भी यहीं पर मिल गई हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। भोले बाबा के दर्शन करने के साथ साथ मम्मी लोगों से भी मुलाकात हो गई है। तो ये हम प्रसाद ले रहे हैं। भोले बाबा को जो भी चीज़ प्रिय है, भोले बाबा को जो भी चढ़ावा चढ़ता है, सभी चीज़ें यहाँ पर हमें मिल गई हैं। तो देखिए, भांग, धतूरा, नारियल, फूल, माला, गौरा माता के श्रृंगार का सामान, सभी कुछ हमको यहाँ पर मिल गया है। तो अब हम जाएंगे भोले बाबा के मंदिर में, आप लोग भी दर्शन करिएगा फ्रेंड्स। तो ये सच्चा मंदिर है, ये भोले बाबा की शिवलिंग है, आप सभी लोग दर्शन करें। यह मंदिर लखनऊ के बुद्धेश्वर चौराहे पर स्थित है, आप लोग यहाँ ज़रूर आएँ। हमने आपको भोले बाबा के दर्शन करवा दिए हैं। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि भोले बाबा की शिवलिंग कितनी प्यारी है, पूरी चांदी से मढ़ी हुई है। और सभी लोग कैसे भोले बाबा के दर्शन कर रहे हैं, उनकी पूजा आराधना कर रहे हैं। तो आज भीड़ नहीं होने के कारण मैंने यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली है, नहीं तो मंदिर के अंदर की कोई भी वीडियो शूट करने की इजाज़त नहीं है। यहाँ पर चारों तरफ पुलिस लगी होती है जो कि 2 मिनट से ज़्यादा मंदिर के अंदर किसी एक व्यक्ति को रुकने नहीं देती है, वो तुरंत जल चढ़वा के तुरंत बाहर भेज देती है। तो आज हमको भीड़ नहीं मिली है तो हमने आप लोगों को दर्शन करवा दिए हैं फ्रेंड्स। और देखिए, यहाँ पर पंडित जी सभी के मस्तक पर चंदन का तिलक कर रहे हैं, तो सब लोग तिलक भी करवा रहे हैं। यहाँ पे दक्षिणा भी चढ़ती है लेकिन यहाँ के पंडित ऐसे हैं कि वो आपसे कुछ भी नहीं मांगते, आपकी इच्छा जो पड़े वो आप दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो 51 मांगे, 21 मांगे, 11 मांगे, तो ये लोग कुछ नहीं मांगते हैं। आपकी जो श्रद्धा हो आप लोग वहाँ पर दान कर सकते हैं, पंडित जी को दे सकते हैं। तो सभी लोग यहाँ पर चंदन का टीका लगवाते हैं, तो हम भी टीका लगवा रहे हैं।
तो टीका इनका बड़ा अच्छा रहता है, पूरा ऊपर से चंदन का तिलक करते हैं, ऊपर से त्रिशूल बनाते हैं जो कि देखने में बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। तो ये भोले बाबा का ही एक चिन्ह है, उनके त्रिशूल का चिन्ह है जो कि भक्तों के मस्तक पर ये लोग लगा देते हैं, बना देते हैं। बहुत अच्छा लगता है, देखने से लगता है कि हाँ हम भोले बाबा के दरबार से आए हुए हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर। अगर आप लोग नहीं आए हो तो इस मंदिर के एक बार दर्शन ज़रूर करें, बहुत ही सच्चा मंदिर है। जो भी आप सच्चे दिल से यहाँ पर प्रार्थना करेंगे, जो भी भोले बाबा से मांगेंगे, भोले बाबा सबकी सुनते हैं, सबकी झोलियाँ भरते हैं। तो देखिए कितनी ढेर सारी चुनरी बंधी हुई हैं यहाँ पर। तो ये लोगों की मुरादें हैं, जो लोग मन्नत मांगते हैं तो वो लोग चूनर बांधते हैं, और जब उनकी मनसा पूरी होती है तो वो चूनर खोल देते हैं। तो ये गौरा माता की चुनरी है, ऐसी मान्यता है कि ये गौरा माता के नाम से यहाँ पे चुनरी बांधी जाती है, और भोले बाबा सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो देखिए बहुत बड़ा मंदिर है, बुद्धेश्वर महादेव मंदिर ये देखिए दिखाई दे रहा है। तो हमने आपको अंदर के दर्शन भी करवा दिए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि अब भीड़ बढ़ गई है। अभी जब हम आए थे दर्शन करने के लिए अंदर गए थे तो इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। तो अब थोड़ा सा टाइम हो रहा है, 4:30 बज गए हैं, तो भीड़ होनी शुरू हो गई है। इसीलिए हम लोग थोड़ा जल्दी आते हैं ताकि हमें भीड़ ना मिले। तो हमारे 2 सोमवार निकल गए हैं, हम दर्शन करने नहीं आ पाए हैं, और बुधवार को भी यहाँ पर दर्शन होते हैं। ये बुद्धेश्वर महादेव मंदिर है, तो यहाँ पर बुधवार के दिन यहाँ खास है। तो यहाँ पर बुधवार के दिन बहुत भव्य मेला भी लगता है सावन के महीने में। तो आज सोमवार है, तो आज इतना ज़्यादा भीड़ नहीं है, मेला भी नहीं लगा हुआ है। तो बुधवार के दिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, सावन का महीना चल रहा है तो भीड़ इस टाइम सोमवार में भी हो रही है। लेकिन हम लोग सुबह सुबह आए हुए हैं तो भीड़ हमें नहीं मिली है। तो हमारे दर्शन हो गए हैं, हमने भोले बाबा के बहुत अच्छे से दर्शन किए हैं। हमको भोले बाबा के पास 3-4 मिनट रुकने को भी मिल गया था, आपने देखा होगा। तो ये हमारे दर्शन हो गए हैं और अब हम लोग अपने घर की तरफ चल रहे हैं। तो देखिए काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि सुबह सुबह आते हैं और सुबह ही दर्शन करने के बाद सुबह सुबह घर की ओर निकल जाते हैं। तो देखिए पीछे जो लोग दिखाई दे रहे हैं, ये सभी लोग दर्शन कर चुके हैं और अपने घर जा रहे हैं। इनके सबके मस्तक पे चंदन का टीका लगा हुआ है, तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये भोले बाबा के दरबार से आ रहे हैं और ये दर्शन करके आ रहे हैं। तो ये सभी लोग दर्शन करके आए हुए हैं, और कुछ लोग अभी पीछे से जा रहे हैं जो कि भोले बाबा के दर्शन करेंगे। तो यहाँ पर बहुत अच्छा मंदिर है, ये बुद्धेश्वर चौराहे के बिल्कुल पास में है। आप लोग एक बार ज़रूर आइए, यहाँ पे दर्शन करिए। यहाँ पे देखिए कितनी ढेर सारी दुकानें भी लगी हुई हैं, और पूजा का पूरा सामान भी यहाँ पर मिलता है, धार्मिक पुस्तकें भी यहाँ पर मिलती हैं। तो हम सब लोग घर की ओर आ गए हैं।